हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी बटे न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी एवेंजर 4 के बारे में। उससे रिलेटिव काफी कमाल का अपडेट आया है और ये अपडेट एकदम ऑफिशियल कंफर्म है और इसे कंफर्मेशन करा है माइकल डगलस ने। माइकल डगलस रोल प्ले करते हैं एमसीयू में हैंग पेन का, यानी कि एंटमैन मूवी, एंटमैन 2 और उसके बाद एवेंजर 4 में। और देन जो भी ये अपडेट मिला है मुझे इन हिंदी एक फुल आर्टिकल में मिला है, तो वो पूरा आर्टिकल मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते दिस आर्टिकल। हॉलीवुड के मार्वल स्टूडियो की फिल्मों के दुनिया भर में लाखों करोड़ों दीवाने हैं। इस स्टूडियो के तले कई सुपरहिट फिल्में बन चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। लेकिन मार्वल स्टूडियो की सबसे चर्चित फिल्म एवेंजर सीरीज है। इस फिल्म को भारत सहित पूरी दुनिया में पसंद किया गया है। इस बीच एवेंजर और मार्वल स्टूडियो की सभी फिल्मों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की माने तो हाल ही में हॉलीवुड के दिग्गज कलाकार माइकल डगलस ने एवेंजर सहित मार्वल स्टूडियो की सभी फिल्मों में क्वांटम रिलिम का महत्वपूर्ण रोल करने वाली बात कही है। मार्वल स्टूडियो कॉमिक्स यूनिवर्स एमसीयू डॉक्टर हैंग पेन का किरदार करने वाले माइकल डगलस ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि एवेंजर 4 और मार्वल स्टूडियो की सभी फिल्मों में क्वांटम रिलिम का अहम रोल होने वाला है। क्वांटम रिलिम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि क्वांटम रिलिम के दायरे में आकर समय और जगह की अवधारणाएं अब प्रासंगिक हो जाती हैं। मार्वल स्टूडियो की फिल्मों में इसका अहम रोल होने वाला है। गौरतलब है कि क्वांटम रिलिम जैसी चीज मार्वल स्टूडियो की फिल्म एंटमैन में देखने को मिली थी। खबरों की माने तो एवेंजर्स के मेकर अब एंटमैन के किरदारों को एवेंजर 4 में सहेजने का काम कर रहे हैं। इसके बाद एवेंजर 4 में क्वांटम रिलिम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि एवेंजर 4 अगले साल ही जून जुलाई में रिलीज होगी। तो गाइस, ये था वो आर्टिकल जो कि माइकल डगलस ने अपने ऑफिशियली कंफर्मेशन में बताया। और देन उन्होंने इंटरव्यू में काफी सारी चीजें बोली और उन्होंने टाइम ट्रेवलिंग के साथ अपनी कास्ट को लेकर भी काफी सारी चीजें बताई। तो फाइनली हमें जो चीजें पता चलती हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट कि माइकल डगलस भी इस मूवी में होंगे हैंग पेन के रोल में। इस मूवी में टाइम ट्रेवलिंग होगी, इसमें क्वांटम रिलिम भी दिखाया जाएगा और देन साथ में स्टोरी की टाइमलाइन को भी एक्सप्लेन करा जाएगा। तो गाइस, ये थी वो फुल अपडेट न्यूज। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करो। अगर आपको रियली में ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो या तो उस पे हैंड डाल के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।